तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी हल्के फुल्के चिकन चीज़ पोटैटो स्नैक्स। बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये और इसे बनाना भी बहुत आसान है और इसे बनाने में आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो चलिए देखते हैं इस टेस्टी हल्के फुल्के स्नैक्स को हमने कैसे बनाया है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चिकन चीज़ पोटैटो स्नैक्स बनाने के लिए एक बाउल में दो मीडियम साइज़ के बॉइल्ड आलू लिए हैं हमने। इसे मैश करके रख लिया है। अब इसमें बिल्कुल थोड़ी हम इसमें बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे और बारीक कटी हुई गाजर डालेंगे और थोड़ी सी ही बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डालेंगे। अब थोड़े से चिकन को यहाँ हमने पहले से ही बॉईल करके रख लिया था और मिक्सी जार में डालकर इस तरह से हमने छोटे टुकड़ों में कर लिया है, इसे डाल देंगे। आप चाहें तो चिकन को स्किप कर सकते हैं, अगर डालेंगे तो स्नैक्स बहुत ही टेस्टी बनेंगे। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे, आधा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर डालेंगे। अब एक चम्मच डालेंगे अमचूर पाउडर, आप इसके बजाय चाट मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं। अब एक चम्मच डालेंगे चिली फ्लेक्स, आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च या फिर पिसी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। एक चम्मच डालेंगे पिज़्ज़ा एंड पास्ता सॉस, अगर आपके पास ये नहीं हो तो आप इसे स्किप कर दें। और एक चम्मच डालेंगे हम इसमें टोमेटो केचप और एक ही चम्मच हम इसमें डालेंगे मेयोनीज़। ये चीज़ें डालने से बहुत ही अच्छे टेस्टी हमारे स्नैक्स बनकर तैयार होते हैं। एक इसमें डालेंगे अमूल चीज़ क्यूब, इसे ग्रेट करके डाल देंगे, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसको डालने से। अगर आपके पास और कोई भी चीज़ हो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं, बहुत ही टेस्टी हमारे स्नैक्स बनकर तैयार होते हैं। तो सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं। अब लास्ट में हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और हरा धनिया डाल के अच्छी तरह से सारी चीज़ों को हमें मिला लेना है। इस तरह के स्नैक्स बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होंगे, खाने में बिल्कुल नहीं लगेगा, इतने मज़ेदार टेस्टी स्नैक्स आपने बनाए हैं। तो सारी चीज़ों को अच्छे से हमने मिला लिया है। तो हमारी स्टफिंग रेडी हो चुकी है। अब यहाँ हमने एक स्लाइस लेंगे ब्रेड का और हमने यहाँ जो स्टफिंग बनाकर रखी है ना, अच्छे से हम ब्रेड के स्लाइस में स्प्रेड करेंगे, अच्छे से फैलाते हुए लगाएंगे, सब तरफ लगा देंगे। तो स्टफिंग को अच्छी तरह से हमने स्प्रेड कर दिया है ब्रेड के स्लाइस में। अब ब्रेड का स्लाइस रेडी है, तो यहाँ अब दूसरा ब्रेड का स्लाइस लेंगे और इसमें टोमेटो केचप लगाएंगे। इस तरह के स्नैक्स बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होंगे। और केचप लगाने के बाद इसके ऊपर हम अच्छी तरह से लगा देंगे दबाते हुए। तो यहाँ हमारा एक ब्रेड का स्नैक्स बनकर रेडी हो गया। अब बीच से हमें इसको चार पीसेस में कट कर देना है। तो छोटे छोटे ही पीसेस हमें इस तरह से इसके कर लेने हैं। तो इसके पीसेस हमने अलग कर लिए हैं। अब बाकी के भी हम और स्नैक्स इसी तरह से बना लेते हैं। और सेम इसी तरह से हमने एक ब्रेड के और स्नैक्स बना के कट करके अलग कर दिए हैं। और यहाँ हमने मैदे की स्लरी बना ली है। दो चम्मच मैदा लिया था हमने, थोड़ा सा पानी डाल के स्लरी बना ली है। अच्छे से अब मिक्स कर लेंगे हम इसको। और यहाँ हमने ब्रेड क्रम्स भी रेडी कर लिए हैं। यहाँ मैंने चार पीसेस ब्रेड के लिए थे जिसे मिक्सी जार में डालकर बारीक ग्राइंड कर लिया है। तो इस तरह से हमारे ब्रेड क्रम्स रेडी हो गए हैं। अब यहाँ एक पीस लेंगे हम, जिसे हम पहले मैदे की स्लरी में कोट कर लेंगे। और मैदे की स्लरी में कोट कर लेने के बाद ब्रेड क्रम्स में अच्छे से कोट कर लेंगे। तो यहाँ हमारा एक पीस रेडी हो गया है। अब बाकी का भी हम इसी तरह से आपको कर दिखाएंगे। तो बहुत ही आसान प्रोसेस है ये, और इस प्रोसेस से बहुत ही आसानी से ये स्नैक्स बनकर तैयार हो जाते हैं। और यहाँ हम बाकी के भी सारे स्नैक्स सेम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ हमने सारे स्नैक्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हमें इन्हें फ्राई करना है। तो यहाँ ऑयल को पहले से ही हमने हाई फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख दिया था। जैसे ही ऑयल गर्म हो गया वैसे ही हमने स्नैक्स डाल दिए हैं। और स्नैक्स डालते टाइम गैस की फ्लेम हमने मीडियम हाई रखी है, क्योंकि हम हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करेंगे इसे, हम इसे मीडियम हाई फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। तो इस स्नैक्स को मैंने डीप फ्राई करा है, आप चाहें तो इसे कम ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं जैसे ही कलर दिखाई देता है तो इसे हमें थोड़ा सा फ्लिप कर देना है, ताकि दोनों तरफ से ही अच्छा सा कलर आ जाए। तो दोनों ही साइड से अच्छे से हम इसे फ्राई कर लेंगे। और आप यहाँ देख सकते हैं देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही गोल मटोल से हमारे बहुत ही अच्छे टेस्टी स्नैक्स बनकर ये तैयार होते हैं। और इन्हें बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, ये स्नैक्स जल्दी भी बन जाते हैं और टेस्ट में भी बहुत ही अच्छे लगते हैं।
जब आप ये स्नैक्स अपने घर पर बनाएंगे तो आपके घर में ये सभी को बहुत ही पसंद आएंगे। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार से स्नैक्स होते हैं ये। तो यहाँ आप देख सकते हैं कलर दोनों ही साइड से बहुत ही अच्छा सा आ गया है, बहुत ही अच्छी तरह से ये फ्राई हो गए हैं। हमने इसे मीडियम हाई फ्लेम पर ही फ्राई करा है। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इन्हें निकाल लेंगे। और देखने में ये जितने अच्छे लग रहे हैं खाने में, उससे कई ज़्यादा ये टेस्टी लगते हैं। तो आपने देखा कितना आसान था इस तरह के टेस्टी स्नैक्स को बनाना। इस स्नैक्स को बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इस स्नैक्स को हमने 10 मिनट में बनाकर तैयार करा है और ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं देखने में ये जितने अच्छे लग रहे हैं खाने में, उससे ये कई ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो आप भी इस टेस्टी मज़ेदार से स्नैक्स को बनाकर एंजॉय करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत ही टेस्टी और इजी रेसिपी है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं आपको मेरी चिकन चीज़ पोटैटो स्नैक्स की रेसिपी कैसी लगी।